بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الرابع الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين। आज की हमारी बहस इस्तेसहाब और कायदा यकीन के दरमियान फ़र्क के मुतालिक है कि इस्तेसहाब के साथ साथ उलमा एक कायदे को बयान करते हैं कि जिसे कायदा यकीन भी कहा जाता है और कायदा शक के सारी से भी इसे ताबीर किया जाता है। इसमें फ़र्क क्या है मैं आपको जो है वो एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस्तेसाब ये होता है कि मसलन एक बंदे ने जुम्मा के दिन अल्लामा ज़ैद के पीछे खड़े होकर नमाज जुम्मा अदा की, नमाज जुम्मा पीछे पढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको अल्लामा ज़ैद की अदालत का यकीन है। अब हफ्ते वाले दिन जो है उस शक होता है कि ठीक है जुमे वाले दिन तो कन्फर्म था कि ज़ैद जो है वो आदिल था, मैंने जुमा भी पढ़ लिया, लेकिन आया आज जो है वो आदिल है या आज वो आदिल नहीं है, ये होता है इस्तेसहाब। अब कायदा यकीन क्या होता है? कायदा यकीन ये है कि एक बंदे ने जुमा के दिन ज़ैद के पीछे नमाज जुमा अदा की, अब हफ्ते वाले दिन जो है उसको शक होता है कि भाई मैं कल जो जुमा अदा करके आया हूँ ज़ैद के पीछे, पता नहीं वो कल आदिल था भी ताकि मेरा जुमा दुरुस्त हो, या पता नहीं आदिल नहीं था, ऐवें ही मैं पढ़ के जो है उसके पीछे जुमा आ गया हूँ। तो अब इसको शक के सारे भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो शक है वो उसी जुमा वाले यकीन तक सिरायत कर रहा है, जबकि कैद इस्तेसाब में ऐसा नहीं होता है। कैद इस्तेसाब में इसे यकीन इसका बरकरार रहता है, लेकिन जो शक होता है वो बाद वाले दिन या बाद वाले टाइम पे होता है कि अब आया वो कैफियत है या वो वाली कैफियत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये है कि अब आया वो कैफियत थी भी के नहीं थी, इसे कहते हैं कायदा यकीन। तो यहाँ पर जो है वो चूँकि इस्तेसहाब के चार पांच अरकान बयान किए थे, तो पांच अरकान में से जो तीन रुकन हैं उनमें तो इस्तेसहाब और कायदा यकीन एक जैसे हैं, उनमें फ़र्क नहीं है। अलबत्ता दो मोरद ऐसे हैं कि जहाँ पर इस्तेसहाब और कायदा यकीन एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। उनमें से पहला ये है कि इस जिस बंदे को कायदा यकीन के अंदर आज शक हो रहा है, कहते हैं कि इसका जो यकीन है वो फेली नहीं है, क्योंकि इस्तेसहाब में हमने शर्त लगाई थी कि उसका यकीन भी फेली होना चाहिए, कि मसलन उसे अब यकीन होना चाहिए कि मैंने सुबह वुज़ू किया था यकीनन, लेकिन इसका जो यकीन है वो शक के टाइम पे फेली नहीं है, बल्कि इसे उसी मसलन वुज़ू के मतलब मुतालिक जो है वो अगर आप मिसाल को देख लें कि पता नहीं मैंने सुबह वुज़ू किया भी था कि नहीं किया था, पता नहीं जो कल ज़ैद के पीछे नमाज़ पढ़ के आया हूँ वो आदिल था भी कि नहीं था, तो अब यहाँ पर इसका जो वो यकीन है वो फेली नहीं है, वो ख़ुद डगमगा गया है, वो ख़ुद उसमें मुशवेश है, ख़ुद उसमें मुतज़लज़ल है, हालत शक में और हालत रैब में है। बस इस एतबार से ये जो मौरद है इस मौरद में कायद यकीन कायद इस्तेसाब से जुदा हो जाता है, यानी ये वाला रुकन कायद यकीन के अंदर मौजूद नहीं है। दूसरा ये है कि हमने कहा था कि यकीन और शक का जो मुतालक है वो एक होना चाहिए हकीकत के अतबार से भी और एक नहीं होना चाहिए, हमने यानी इस्तेसाब के अंदर कहा था कि शक जो है वो किसी और टाइम पे होना चाहिए और जो यकीन है उसका जो टाइम है उसका जो वक्त है वो और हो, लेकिन कायदे यकीन के अंदर यकीन और शक का जो मुतालक है वो एक ही है, जिस चीज़ के बारे में उसे यकीन था अब उसी चीज़ के बारे में इसे शक हो रहा है। तो बस इस एतबार से जो है
ये कायदा यकीन कायदा इस्तेसाब से जो है वो जुदा हो जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हुक्म की बात करते हैं कि कायदा आया यकीन को उलमा कबूल फरमाते हैं या नहीं फरमाते हैं, तो साहिब किताब फरमाते हैं कि उलमा इस्तेसाब को तो हुज्जत करार देते हैं, वो रिवायत के जो इस बाब में आई हैं वो इस्तेसाब की हुज्जियत पर तो दलालत करती हैं, लेकिन कायदा यकीन की हुज्जियत को समझाने से कासिर हैं। अब फरमाते हैं कि इस्तेसाब की हुज्जियत पर जो दलीलें हैं, बहुत सारी दलीलें हैं कि जिनको उलमा ने जो है वो मुख्तलिफ अंदाज़ में ज़िक्र किया है। यहाँ पर इन्होंने जो है वो फ़कत तीन तरह की दलीलों को जो है वो ज़िक्र किया है कि जो कुदमा हैं। सबसे पहले जो है वो फरमाते हैं कि जो कुदमा, कुदमा से मुराद जो है वो यहाँ पर आप फिक के अंदर भी पढ़ते हैं और इल्म उसूल में भी आता है कि ये कुदमा का नज़रिया है या ये मुताखरीन का नज़रिया है। तो आपके सामने जो है वो अर्ज़ करता चलूँ कि कुदमा से मुराद जो मुहक्किक हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने शरायुल इस्लाम लिखी है, कि जो पहले मदारस में पढ़ाई जाती थी लेकिन आजकल मुतासिफाने जो है वो मतरूक हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो मुहक्किक हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह से पहले, उनके ज़माने से पहले जितने भी उलमा थे उनको कुदमा कहा जाता है, और ख़ुद मुहक्किक हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह और उनके जो बाद वाले जो आने वाले हैं बाद में, उनको मुताखरीन से ताबीर किया जाता है। तो उलमाए जो कुदमा हैं हमारे, उन्होंने इस्तेसाब की हुज्जियत पर जो दलीलें दी हैं वो फरमाते हैं कि हम इस इस्तेसाब को मिन बाबे ज़न जो है वो हुज्जत करार देते हैं। यानी अगरचे जन में असल ये है कि वो हुज्जत नहीं है, जन में असल ये है कि उस पर अमल करना जो है वो हराम है, लेकिन जो शारे के एतबार करने से मोतबर हो जाता हो वो जन हुज्जत होता है। तो इससे साफ भी गोया कि उनके नज़दीक उन जुनून में से है कि जो जिनको शारे ने मोतबर करार दिया है। तो बस इस एतबार से उदमा के नज़दीक जो है वो इससे साफ हुज्जत है। वो इस दलील को जो है वो यूं बयान करते हैं, वो फरमाते हैं कि उकला के सामने जब कोई चीज़ जो है वो हालत साबिका रखती है और उस हालत साबिका का वो लिहाज भी करते हैं, तो अब यहाँ पर अगर एक टाइम गुजर जाने के बाद उन्हें किसी मसले में शक होता है, तो फिर वो उसी हालत साबका के जो मलहूजा थी के जिस पर उन्होंने पहले बिना रखी थी, शक की सूरत में भी उकला जो है वो उसी हालत साबका को ले लेते हैं और उसी पे अमल करते हैं। तो उकला के यहाँ ये चीज़ राइज है, उलमा उकला के यहाँ ये चीज़ नाफिजुल अमल है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि शारे मुकद्दस ने भी उकला की इस रविश से, इस तरीके से, उकला की इस फैसले और उनके इस सीरत से जो है वो रोका नहीं है। बस शारे का ना रोकना दलील है कि वो या शारे इसको हुज्जत समझता है। बस इस एतबार से सीरत उकला जो है वो इस्तेसाब की हुज्जियत पर दलील है। लेकिन साहिब किताब जो है इस पर इश्काल करते हैं, वो इसको कबूल नहीं फरमाते हैं कि जो आपने पहले बात की है ना कि उकला जो है वो हर एक चीज़ के अंदर हालत हिसाब का जो उसकी होती है उसी को फिर शक की सूरत में भी मलहूज रखते हैं। फरमाते हैं कि ये छोटे छोटे मामलात में तो उकला ऐसा करते हैं, हमें भी पता है, लेकिन अहम तरीन जो मामलात होते हैं, जो उमूर ख़तीरा होते हैं, जो बड़े बड़े मामलात होते हैं कि जिनमें ख़तरा ज़्यादा होता है, जिनमें जो है वो अगर ट्रैक से हट जाएंगे तो नुकसान बहुत होगा, तो फरमाते हैं उसमें वो ऐसे ही हालत साबका को फ़कत मलहूज़ रखकर फ़ैसले नहीं करते, बल्कि वहाँ पर तहकीक करते हैं, वहाँ पर तलाश करते हैं, जस्तजू करते हैं और फिर फैसला करते हैं। और जो आपने कहा है ना कि शारे ने भी नहीं रोका है, फरमाते हैं शारे ने रोका है, आयात भी हमारे पास मौजूद हैं, रिवायात भी मौजूद हैं, इन्न दन्न ला युग्नी मिनल हक के शया, और ख़ुद हमने साबित किया है रिवायात के अंदर के जन में असल जो है वो हुरमत है, जन में असल जो है वो अदम हुजियत है। तो बस शारे ने भी रोका है, बस उकला की सीरत को मेयार करार देकर इस्तेसाब की हुजियत को साबित करना हमारे नज़दीक साबित नहीं।
दूसरी जो दलील दी जाती है वो ये है कि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि अगर एक हुक्म जो है वो पहले से यकीनन मौजूद हो और अब उसी हुक्म के ना होने का जन हमें ना हो तो यहाँ पर हुक्म लगाया जाता है कि फहुवा मजनूनुल बका, और इसी चीज़ को जो है वो इस्तेसाब कहते हैं। तो पस जन के तरीके से जो है वो हम इस्तेसाब को साबित करते हैं, लेकिन साहिब किताब जो है इनकी इस बात पर भी इश्काल फरमाते हैं, वो इसको कबूल नहीं फरमाते हैं कि हर मकाम पर जो है वो इस्तेसाब जन के मौजू को साबित करना, कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। हर जगह भी जो है वो इस्तेसाब जो है वो जन को साबित करता रहे, कहते हैं कि ये कहीं पर भी हमारे यहाँ साबित नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर ठीक है जन को साबित करता है, जन के मौजू को साबित करता है, लेकिन अगर इसको कबूल कर भी लिया जाए तो फिर उस जन की हुज्जियत पर हमारे पास कौन सी दलील है, क्योंकि जन में तो असल अदम हुज्जियत है, हुज्जत ना होना है, ना कि उसमें असल हुज्जत होना है, तो बस उसके लिए दलील की ज़रूरत होगी। बगैर दलील के खुद इस इस्तेसाब को भी आप हुज्जत करार नहीं दे सकती हैं, चाहे जाए कि आप इस्तेसाब को हुज्जत करार देकर इसके ज़रिए से किसी चीज़ को साबित करें। तीसरा जो यहाँ पे नज़रिया है, तीसरी दलील है, बाज़ उलमा ने इसको इजमा से साबित किया है कि उलमा का जो है वो इजमा है कि अगर एक हुक्म जो है वो उनके यहाँ किसी चीज़ के ज़रिए से साबित हो और बाद में जो है वो उनको शक होता है कि आया कोई ऐसी चीज़ आई है कि जिसने उस पहले वाले हुक्म को ख़त्म कर दिया है, बातिल करार दे दिया है, शक होता है अगर, तो उलमा जो है वो उसी हालत साबिक़ मुतयक्किना को जारी करते हैं, उसी को बाकी रखते हैं और उसी के मुताबिक जो है वो फतवा लगाते हैं। तो बस इस्तेसाब उलमा का इजमा जो है वो साबित करता है कि इस्तेसाब हुज्जत है, लेकिन साहिब किताब फरमाते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये इजमा जो आपने कहा है ये इजमा इजमा मुहस्सल नहीं है बल्कि मनकूल है, और इजमा मनकूल हमारे नज़दीक हुज्जत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने इजमा बयान किया है ये इजमा ऐसा है कि जिसकी सनद और जिसकी बेस, जिसकी बुनियाद हमें मालूम है और जिसकी बुनियाद हमें सनद मालूम हो उसे इजमा मदरकी कहा जाता है, जो कि इजमा मदरकी हमारे नज़दीक हुज्जत नहीं है। तीसरी बात यह है कि आपने कहाँ से जो है ना ये कहा है कि उलमा का इजमा है, जबकि बहुत सारे जो है हमारे यहाँ अब भी मौजूद हैं कि जो इस्तेसाब को हुज्जत करार नहीं देते हैं, ख़ुद इस्तेसाब की ही मुखालफत करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि फिर ये इजमा रहा ही नहीं है। तर्जमा इंतहाई आसान है, फरमाते हैं अलफ़र्क़ुर रौबे, चौथा फ़र्क बैन अल इस्तेसाब व कायदतुल यकीन, इस्तेसाब और कायद यकीन के दरमियान, व हुनाक कायदतुन उख्रा तुसम्मा फ़ी मुस्तलहिल उसूलिय्यीन बि कायदतुल यकीन, वहाँ पर एक और भी कायदा हमारे पास मौजूद है कि जिसे उलमाए उसूलिय्यीन की इस्तेलाह में कहा जाता है कायदा यकीन, वहाज़ा कमायज़त यक़न बि अदालत ज़ैद यौम अल जुमुअते, इसकी मिसाल ऐसे ली जा सकती है जैसे एक बंदे को जुमा के दिन ज़ैद की अदालत का यकीन हो, सुम्मा तरा अलैही शक यौम सब्ते, फिर हफ्ते के दिन उसको शक होता है कि फ़ी अदालत ज़ैद फ़ी नफ्सी यौम अल जुमा, आया जुमे के दिन यानी कल जो जुमा गुजरा है आया ज़ैद आदिल था भी या ऐसे ही मैंने यकीन कर लिया था, लस सब्ते, ये शक जो है वो जुमे हफ्ते वाले दिन नहीं है यानी कि आया आज भी है यानी नहीं, ये शक जो है वो वही जुमे वाले दिन ही है कि तनी कल था भी के नहीं, तो वह मिम्मा ज़करना यज़हर, बस इस ये जो चीज़ हमने ज़िक्र की है इससे ये ज़ाहिर हो जाता है कि अन्नहु तख्तलिफ़ु अनिल इस्तेसाब फ़िल अम्रैनि तालियैन, कि ये जो कायदा यकीन है ये इस्तेसाब से मुख्तलिफ होता है ये आने वाले दो अमरों में। पहला अमर क्या है कि अदम फ़ेलियतिल यकीन ले ज़वाल ही बिशक, कि यहाँ पर कायदा यकीन के अंदर जो यकीन है वो फेली नहीं है, जबकि हमने कहा है कि शक के वक्त यकीन फेली होना चाहिए, कि मसलन सुबह को मैंने यकीनन वुज़ू किया था, अब शक होता है, लेकिन यहाँ पर इसे तो उसी सुबह वाले वुज़ू के बारे में ही या कल वाली अदालत के बारे में ही शक हो रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये कि शक की वजह से यकीन फेली रहा ही नहीं है। दूसरा ये है कि वहदत मुतअल्लिक ये यकीन व शक जौहरन व ज़मानन, यकीन और शक का जो मुतअल्लिक है वो हकीकत के एतबार से भी और ज़माने के एतबार से एक होना चाहिए, जबकि यहाँ पर शक और यकीन का मुतअल्लिक जो है वो एक
यहाँ पर जो है वो एक ही है, जबकि जो हमने इस्तिसाब में कहा था कि यकीन का मुताल्लक जो है वो और होना चाहिए, और जो शक का जो मुताल्लक है यानी ज़माने के एतबार से जुदा होना चाहिए, यानी अगर शक यकीन सुबह हुआ था तो शक जो है वो जहर को होना चाहिए, जबकि यहाँ पर जो दोनों का मुताल्लक है टाइम के एतबार से वो एक ही है, यानी उसी जुमा वाली अदालत में ही इसे शक हो रहा है। बल मारूफ बैन अलसाब बैन अल इस्तेसाब हुज्जतुन, दोनों कायदत यकीन फरमाते हैं उलमा के यहाँ जो चीज़ मशहूर है वो ये है कि इस्तेसाब तो हुज्जत होता है लेकिन कायद यकीन हुज्जत नहीं है। वही ना रिवायत अलबा मुंतबिकतुन अलल अव्वले, लेकिन इस बाब में जो रिवायात आई हैं वो कायद इस्तेसाब को तो बयान करती हैं लेकिन कायद यकीन को बयान नहीं करती हैं, जिस तरह के अनकरीब इंशाल्लाह हम बयान करेंगे। फरमाते हैं अदिल्लत हुज्जियत इस्तेसाब, इस्तेसाब की हुज्जियत की दलीलें क्या हैं। इख्तलफ़ अलुसूलियून फ़ी कैफ़ियत हुज्जियत इस्तेसाब, इस्तेसाब की हुज्जियत की कैफ़ियत के मुताल्लिक उसूलियीन का इख्तलाफ है कि ये हुज्जत कैसे होता है, यानी क्यों कर हुज्जत होता है, किन किन दलीलों की वजह से हुज्जत होता है। फ़ज़ाहब अल-क़ुदमा इला अन्नहु हुज्जतुन मिन बाबि ज़न, क़ुदमा जो हैं यानी अर्ज़ किया क़ुदमा कौन होते हैं, तो फरमाते हैं वो इस इस्तेसाब को हुज्जत करार देते हैं मिन बाब ज़न वस्तदल्लु अलैहि बिल वुजूह तालियते, इन आने वाली वजूहत की बुनियाद पर वो इसको मिन बाब ज़न जो है वो इसका हुज्जत होना साबित करते हैं। पहली दलील ये है कि बिना वलुकला अलल अमल अला विफ़किल हालत साबिका, उकला इस बात पर बिना रखते हैं कि हालत साबिका के मुवाफिक शक की सूरत में अमल करते हैं, वलम यसबुत रदा अनहु मिन जानिब शारे, और उकला की इस सीरत पर शारे मुकद्दस की जानिब से कोई रदा कोई माना साबित नहीं है। बस साबित है कि उकला की सीरत से आप इस हिसाब को हुज्जत करार दे सकते हैं। यूलाहज़ वाला इस पर साहिब किताब इश्काल फरमाते हैं मुजाफन इलादम कुलियत, यहाँ पहली बात तो ये है कि हर जगह पे उकला ऐसा करें कहते हैं ये कुलियत ममनू है, इसको हम कबूल नहीं करते हैं। फ़ैनल उकला लयामलून फिल उमूर खतीरत अला विफ़िल इस्तेसाब, कहते हैं कि उकला जो हैं वो जो बड़े बड़े उमूर होते हैं उनमें इस्तेसाब के मुआफ़िक और मुताबिक अमल नहीं करते। व इन अफाद ज़न, अगरचे इस्तेसाब ज़न का फ़ायदा ही क्यों न दे, अन्नहु यकफ़ी फिर रद मादल्ला मिनल किताब व सुन्नत अल नहीं अन इत्तिबाए गैर इल्म, और जो आपने कहा है कि इशारे की तरफ से मन नहीं आया है, कहते हैं कि मन के आने में फ़कत इतना ही काफ़ी है कि कुरान मजीद के अंदर भी और सुन्नत के अंदर भी ऐसी चीज़ की इत्तिबा करना जिससे इल्म और यकीन हासिल ना हो वहाँ पर नहीं आई है, तो नहीं आई है तो इसका मतलब है कि इशारे ने रोका है भाई। वक़द मर्र तिलकल आयात इन दलबाह फैन हुज्जियत खबर वाहिद, खबर वाहिद की हुज्जियत के बाब में हमने इन आयात को जिक्र कर दिया है। दूसरी जो दलील देते हैं हुज्जियत इस्तेसाब पर मस्तों ने दलील आज़ुदी फ़ी शरह अल-मुख़्तसर, जिसकी सनद और नस्बत दी गई है आज़ुदी की तरफ की, जिसने अपनी किताब शरह मुख्तसर में कहता है कि इन इस्तेसाब अल-हाल इन अल-हुक्म अल-फ़लानी क़द कौन, इस्तेसाब हाल यूँ होता है कि एक हुक्म के जो पहले यकीनन था वलम यजुन अदमहु, और अब उसके ना होने का हमें जान नहीं है, वकुल्लु मा कान कज़ालिक, और हर वो के जो पहले यकीनी हो और अब उसके ना होने का जान ना हो फहुवा मजनूनुल बका, तो इसका मतलब यह है कि वो बाकी है अलबत्ता मजनूनुल बका है। इस पर इश्काल कैसे होता है, पहली बात तो यह है कि बेमन ए कुलियतुल कुबरा, ये जो आपने कुबरा बयान किया है कि हर जगह पे जो इस्तेसाब है वो एक हुक्म जन्नी को साबित करता है, कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है। लेमन इफादत इस्तेसाब जन फ़ी कुल मौरद, चूँकि इस्तेसाब जन से जो है हर मौरद में फ़ायदा उठाना और इस्तेसाब जन को जारी करना ये किसने कहा है कि दुरुस्त है, ये ममनू है। दूसरी बात यह है कि सलमना, अगर हम कबूल कर भी लें कि ठीक है इस्तेसाब जन जो है उससे फ़ायदा हासिल हो सकता है, लेकिन अल असल फ़ी जुनून अदम अल हुज्जिया, लेकिन जुनून में असल ये है कि वो हुज्जत नहीं है, नहीं है कि जुनून में असल ये है कि वो हुज्जत हैं, इल्ला अय्यदुल्ल दलील कातियुन अलैहा, मगर तब वो हुज्जत ना होने से खारिज हो जाएंगे जब उस पर कोई काति दलील आ जाए। तीसरी बात यह है कि अल इस्तिदलाल बिल इजमा, इजमा के ज़रिए से बाज़ उलमा ने इसकी हुज्जियत को साबित करने की कोशिश की है। क़ाल अल अल्लामा, अल्लामा फरमाते हैं अल इस्तिसाब हुज्जतुन लिइजमा अल फुकहा, इस्तिसाब इस वजह से हुज्जत है चूँकि फुकहा का इस बात पर इजमा है कि अन्नहु मता हासल हुक्म, कि जब उनको कोई एक हुक्म मिल जाता है और हासिल होता है और वह अख़ज़ कर लेते हैं, सुम वक़ा शक फ़ी तुरू ए मा यज़ीलुहु, फिर एक अरसा गुजर जाने के बाद उनको शक होता है कि आया कोई ऐसी चीज़
तो तारी नहीं हुई कि जिसने उस पहले वाले हुक्म को जायल कर दिया हो। तो अब यहाँ पर शक की सूरत में वाजब अल हुक्म अला मकान अवलन, वो हुक्म को वैसे ही वाजिब समझते हैं जैसे वो पहले था। वलाउलल कौल बैनल इस्तिसाब हुज्जतुन, अगर आप यहाँ पर हम इस बाब में इस्तिसाब को हुज्जत नहीं समझते हैं, लकौन तरजीहन लिहाद तरफ़ मुमकिन मिन गैर मुरज्जिहिन, तो इसका मतलब यह है कि उलमा दो तरजीहों में से, दो हुक्मों में से किसी एक हुक्म को तरजीह देते हैं जबकि उनके पास कोई मुरज्जे भी मौजूद नहीं है, जबकि उलमा ऐसा नहीं करते हैं। बस साबित हुआ है कि इजमा हुज्जत है। इजमा अगर जो है वो अगर जो है वो साबित हो जाता है कि इजमा के ज़रिए से इस्तिसाब जो है वो हुज्जत है। इस पर जो है वो इश्काल साहिब किताब फरमाते हैं कि पहली बात तो ये है कि अदम हुज्जियत इजमाइल मनकूल, इजमा मनकूल हमारे नज़दीक असलन हुज्जत नहीं है। दूसरी बात यह है कि फरमाते हैं कि खसूसन इज़ा उलम मुस्तनद अलमुजमईन, जब इजमा करने वालों की जो सनद है वो मालूम हो, तो फरमाते हैं कि इस जिसे इजमा मदरकी कहा जाता है वो असलन मेरे हमारे यहाँ हुज्जत नहीं है। अज़िफ़ इला ज़ालिक मुखालफत इदत मिन अलफुकहा है माल इस्तिसाब, इसी पर आप एक और चीज़ का भी इजाफा कर सकते हैं कि फुकहा में से बास फुकहा ऐसे हैं कि जिन्होंने इस्तिसाब की मुखालफत की है। बस मुखालफत की है तो इसका मतलब ये है कि इजमा कायम नहीं है। जब इजमा नहीं है तो पर फिर जो है आप इजमा को जो है वो दलील बनाकर इस हिसाब को हुज्जत साबित करें, कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदिना मुहम्मद।